फंसी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बात को मानकर चल रहे थे कि वहां उनकी जीत जो होगी बहुत मार्जिनल होगी। नरोत्तम मिश्रा भी पीछे हो गए। हाँ, नरोत्तम मिश्रा का तो तय था। नरोत्तम मिश्रा तो पार्टी भी मांग रही थी, संगठन भी मांग रहा था, वहाँ के कार्यकर्ता भी कर रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा हारेंगे। और नरोत्तम मिश्रा अपने व्यवहार के कारण वहाँ से हार रहे हैं। संगठन पूरा उनसे नाराज था, वहाँ पर कार्यकर्ता उनसे नाराज थे। मुझे ऐसा लग रहा है खामियाजाना नरोत्तम मिश्रा को भुगतना पड़ रहा है। और वो इस उसमें रहे थे कि मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, गृह मंत्री हूँ, जनता मुझे वोट करेगी। जनता ने उन्हें सबक सिखाने की पिछले चुनाव में सोची थी, मुश्किल जीते थे। इस बार नरोत्तम मिश्रा का जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो छत्तीसगढ़ कर रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़, जहाँ पर जितने एग्जिट पोल थे, जितने रिएक्शन थे, ये बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीत रही है और अच्छा जीत रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 50 सीटों का रुझान आप देखिए, 90 सीटों का जो रुझान है उसमें 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 39 सीटों पर कांग्रेस है। सबसे ज्यादा शॉकिंग अगर हम कुछ कहें तो वो छत्तीसगढ़ नजर आ रहा है, क्योंकि एक छत्तीसगढ़ है जिसे लेकर सभी कॉन्फिडेंट थे सचिन जी, कि यहाँ पर तो कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है। देखिए अभी हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि ये आंकड़े आप ये बता दीजिए कि ये शुरुआती रुझान कितने बजे तक रहते हैं? 11 बजे तक। 11 बजे तक। 11 बजे अभी एक घंटे का और हम समय दे सकते हैं। बिल्कुल जी, बात पूरी कर। तो बात ये है कि छत्तीसगढ़ में मुझे अभी भी लगता है कि कांग्रेस आगे जाएगी, क्योंकि देखिए इसमें एक बहुत ही सटीक टिप्पणी वहां के एक छोटे कार्यकर्ता ने की, जब हमने 2 महीने पहले पूछा कि भाई ये बताएं कि क्या स्थिति है पार्टी की अंदरूनी, तो उन्होंने कहा देखिए स्थिति यह है कि यहाँ केवल बैठक पे बैठक हो रही है भाजपा की, बस उठक नहीं हो रही है। तो वहाँ पे प्रयास नहीं था, समीकरण जरूर थे पक्ष में अगर प्रदेश नेतृत्व वहाँ पे करती, अंतिम समय में काफ़ी प्रयास किया गया। हमें लगता है कि भूपेश बघेल को एक ईजी टर्फ मिला था और वो अंत में मेंटेन कर ले जाएंगे जो भी अभी स्थिति हो। तो छत्तीसगढ़ को लेकर हमें लगता है कांग्रेस की रहेगी। सबसे आश्चर्य वाला जो यहाँ पे दिख रहा है वो मध्य प्रदेश का चुनाव है, जिसमें गजब का वेव दिख रहा है। और ये वेव हर कोई पोस्ट पोल में दिखा या कहीं भी दिखा, लेकिन फील्ड एक्सपीरियंस में ये वाली बात किसी को नहीं दिख रही थी। या तो कांग्रेस आगे दिख रही थी या ये दिख रहा था कि चुनाव नज़दीक रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश इस मार्जिन से जीत रही है अंत तक और छत्तीसगढ़, तो उसमें ये भी देखना होगा कि संगठन किस तरीके से अलग अलग राज्यों में किस तरीके से प्रयास करती है, और इसका आगे से भी एक सीख होगा भाजपा के लिए। रजत जी, तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इस वक्त रुझानों में भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी मार्क के ऊपर दिखाई दे रही है। देखिए मध्य प्रदेश में तो स्थिति बिल्कुल क्लियर है, इसमें बीजेपी की सरकार बनेगी इसमें कोई शक नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की मेजोरिटी है, लेकिन अभी काफ़ी राउंड बाकी हैं, आगे पीछे हो सकता है, इसकी संभावना बाकी है। सबसे इंटरेस्टिंग है छत्तीसगढ़, जो मैंने कहा था बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझे कहा था हम आपको सरप्राइज़ देंगे, और वाकई में सरप्राइज़ है। इसमें दो चीज़ें मैंने अभी लोकल चैनल्स वहाँ के जो हैं उन पर नज़र डाली है, वो भी बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी वोट मिले हैं, और इसको हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की पकड़ कह सकते हैं। इन वोटों पर आदिवासी वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, जिसका बहुत फायदा, और सज्जन जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को जिस तरह से लड़ना चाहिए था नहीं लड़ा, अगर लड़ते तो लैंडस्लाइड हो सकता था। लेकिन अभी भी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बना ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है, और वो आपको जो अंतर दिखाई दे रहा है बीजेपी और कांग्रेस में वो साफ दिखाई दे रहा है। और राजस्थान में भी 100 सीटों पर बिल्कुल जो जादुई आंकड़ा है उसके पास पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि वहां है 101 पर सरकार वहां पर बन जाती है। और छत्तीसगढ़ में जैसा रजत जी ने कहा कि वाकई सरप्राइज है, और अगर यहां बीजेपी सरकार बना ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, आपका आना इस वक्त आपकी पार्टी के लिए शुभ है, क्योंकि तीनों ही जगहों पर आपकी पार्टी आगे दिख रही है, सरकार बनाने की पोजीशन में दिख रही है। सौरभ जी, मैं पनौती, शुभ अशुभ इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। हम केवल मोदी जी के और हमारी सरकारों के काम पर विश्वास रखते हैं, और इसीलिए एक आकलन स्पष्ट है कि 18 वर्ष बाद भी अगर हमारी सरकार आ रही है इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी। राजनीतिक वोकैबुलरी में पहली बार प्रो इनकम्बेंसी का शब्द गढ़ने वाले नरेंद्र मोदी है, उनकी प्रो इनकम्बेंसी वाले काम होते हैं। और जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर इतना भारी एंटी इनकम्बेंसी है कि 5 वर्षों में ही जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वहां पर सरकारें पलटने का दौर शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से हम आगे हैं, जैसे रजत जी बता रहे थे, लोकल चैनल्स भी हमें आगे बता रहे हैं, ये ट्रेंड और बढ़ेगा। और राजस्थान में हमारी बढ़त अभी की
टाइम पे लगभग 35 सीटों की है, ये भी और बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि 100 पे हम हैं और 62 पर कांग्रेस है राजस्थान में, और वहां पर कई मंत्री हार रहे, गोविंद डोटासरा जी भी हार सकते हैं। राजस्थान तो चलिए ठीक है आप मानकर चल रहे थे, आप मध्य प्रदेश भी मानकर चल रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप बैक कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में अगर इतना अच्छा मार्जिन लेकर चल रहे हैं शहजाद, तो सबसे बड़ी वजह क्या रही कि आखिरी वक्त पर महादेव ऐप का मुद्दा लाना आपके लिए काम कर गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने छत्तीसगढ़ में तैयारी बहुत पहले से शुरू की थी, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वादे जो किए गए थे, ये कांग्रेस की गारंटी है ना, ये कांग्रेस की धोखेबाजी और नकली गारंटी है। उन्होंने 316 वादे छत्तीसगढ़ में किए थे, एक भी पूरा नहीं किया, खास करके महतारी को जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया, जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, और फिर अंत में विभाजनकारी कार्ड खेलना, इसको नकारने का काम, और वहाँ पर जो हमारा लगातार ट्राइबल्स के प्रति काम रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वो ऐसे शख्सियत है जिन्होंने पहली बार आदिवासी समाज को, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, उनको सही सम्मान देने का काम अगर किया है तो मोदी जी ने किया है। उनकी हर एक जन कल्याणकारी योजना में जो भागीदारी ट्राइबल आदिवासी लोगों की होती है, दलितों की होती है, ओबीसी वर्ग की होती है, ये अभूतपूर्व है, और इसीलिए लोगों को पता है कि कौन झूठी गारंटी लेकर आ रहा है और कौन असलियत में गारंटी निभाता है, काम करता है। पर मेरा ये मानना है कि राजस्थान में भी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने और कुछ सर्वेज ने कई कमी रख दी हो, मुझे लगता है वो सर्वेज की कमी अब पूरी हो जाएगी। 181 आपको लगता है अभी तो फिलहाल आप